जिंदगी एक सफर है सुहाना a lot, Anand Nilam, for inviting me. Thanks for your warm invitation. It's really my pleasure. One day we want to see Big B as a brand ambassador for Anand Nilam with your influence. Just now I have seen a photograph of Big B with you. Yes. And I'm sure one day Big B will also come onto the dais and definitely, endorse Anand Definitely, of course, yes. I will definitely promote. I will promote. या इट्स माई प्लेजर आई शेड स्क्रीन विथ बिग बी ट्वाइस इट्स रियली माई प्लेजर थैंक यू सो मच एंड ही इज सच हम्बल एंड डाउन टू अर्थ मैन मीन्स आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस जैसे सभी जानते हैं कि बिग बी के सामने खड़ा होना मीट्स इट्स रियली अ बिग टास्क एंड बहुत सारे ऑडिशन के बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट एड और सभी को क्रेज़ होती है कि जब फर्स्ट टाइम बिग बी के सामने जाएंगे तो बिग बी के साथ फ़ोटो तो सेल्फी तो बनती है सो इवन आई रिक्वेस्टेड हिम तो ही सेट गिव योर फ़ोन मैंने कहा सर फ़ोन तो नहीं है अभी ठीक uh, है हम सीन के बाद फ़ोटो लेंगे ज़रूर लेंगे मुझे याद करना आई सेट यस और uh, उसके बाद वो शूट में बिज़ी रहे मतलब वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनकी सराउंडिंग उनका स्टाफ उनके साथ काफ़ी रहता है तो बाकी लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है बट मेरा सीन हो गया हमारा शूट हो गया मैं अपने वैनिटी में गई थी उसके बाद उनका काम कंप्लीट हुआ और वो स्टेज से उतर रहे थे एक स्टेज बना हुआ था हमारे शूट के लिए एंड uh, अरे बिग बी का पैकअप हो गया पैकअप हो गया ऐसे तो मैं वैनिटी से मैं बाहर आ गई एंड आई वॉज जस्ट लाइक ऐसे तो उन्होंने स्टेज से नोटिस किया मैं वहाँ से आ रही थी नो 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 यू डोंट कम प्लीज़ 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 वेट देयर मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ आप वहीं रुकिए। एंड वो चल के हमारे पास आए और हाँ ठीक है अब ले लो फोटो मेरे साथ तो सबको इतना ये लगा कि अरे सर क्या कर रहे हैं तो एक ही हमारे आर्टिस्ट में भी सब लोग एकदम एक साथ आ गए तो मेरा फ़ोन हिल गया आगे चले गए वो आई फोटो तो मैंने ऐसे कहा नहीं रुको आ जाओ फिर एक बार रुकी एंड फिर मैंने फोटो लिया उनके साथ तो ये होता है मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड ये जानकर खुशी होंगे जी आज बिग बी भी इधर नहीं है लेकिन बिग बी भी का आवाज है पीछे से आ रहा है। क्या बात है <laughs> और सेम हैपन विद धोनी उनके साथ भी मैंने दो कमर्शियल्स किए हैं एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ तो ये होता है ना कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है तो ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुभाषीय जो प्रोग्राम म्यूजिकल प्रोग्राम है जैसे ही मुझे जगन जी का फ़ोन आया था आई सेड ये सिस आई विल भी देर आई विल भी देर और मेरी फ्रेंड मेरे साथ है अन्नपूर्णा जी उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था आई सेड एंड अन्ना थैंक यू सो मच वैसे uh, स्मिता जी और अरे कमाल करती हैं आज भी वो दिन याद है जो एक मंच पर हम मिले थे और आज जोरदार तालियां हो जाएं डोंगरी जी के लिए आई वेरी प्राउड ऑफ दैट सी इज अ वेरी गुड एक्टर्स और वेरी गुड मॉडल एंड बहुत से काफी और हम चाहते हैं कि अरे बिग बी को याद किया दिल से दिल से और दिल से हम कहते हैं और हम भी हमेशा ऐसे अच्छे काम के लिए आनंद साथ रहेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू क्या बात है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जोरदार तालियां इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए कुछ पल के लिए तो मैं सरप्राइज हो गई थी कि मैंने हाँ ऐसे हो गया था मेरा जब इनको देखा तो एक दिन ऐसा सुप... ही होगा बिग बी आवाज के साथ इधर खड़े हो जाएंगे ठीक है बिल्कुल आई विश ऑल द बेस्ट बिल्कुल ये होगा नाउ आई रिक्वेस्ट अनुराधा बिंगी मैडम टू ऑनर डॉक्टर्स थैंक यू सो मच डोंगरे ऑन बिहाफ ऑफ आनंद निलियम

दिस इज स्टेशन फॉर अ स्माइल मतलब ये कॉन्सेप्ट वृद्धाश्रम होता है तो एक डिप्रेसिंग वर्ड लगता है सुनने में अच्छा नहीं लगता है बट जो प्रोजेक्ट्स ये किए जा रहे हैं करने जा रहे हैं कि गेम्स है पिकनिक्स है म्यूजिकल इवेंट्स है एवरीथिंग स्पोर्ट्स है तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना जिंदगी में जिंदगी के भागदौड़ में हम इतने बिजी होते इन चीज़ों के लिए समय ही नहीं, नहीं निकाल पाते इवन सेम विथ मी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक म्यूज़िक सीखती थी, थी मैं जब स्कूल में थी उसके बाद कॉलेज किया मेडिकल किया मेडिकल करते ही शादी हो गई म्यूज़िक मेरा कहीं और ही रह गया मेडिकल प्रैक्टिस में आ गई तो कहीं तो एक्टिंग का कीड़े ने काटा हुआ था तो फिर से एक्टिंग की तरफ आ गई बट मेरा सिंगिंग पैशन ऑन म्यूज़िक छूट गया था नाउ आई स्टार्टेड अगेन और मैं अपना म्यूजिक मंत्रा नाम का एक बैनर चलाती हूँ जिसमें बहुत सारे सिंगर्स जुड़े हुए हैं कल रात ही हमारा एक इवेंट हुआ है और इट वॉज़ लाइक सुपर वंडरफुल शो और बस सबके स्माइलिंग फेसेस हम देखना चाहते हैं हमारा टैगलाइन है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस थ्रू म्यूजिक और वही काम आनंद निलयन भी इतने प्यार से किए जा रहा है तो मैं तो प्रमोट करूँगी ही करूँगी कि नहीं सब ने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में बहुत थके हो आप परिवार की जिम्मेदारियों से प्लीज़ अभी खुद के लिए जीना शुरू करो भले घर में रह रहे हो कुछ दिन यहाँ इनके साथ आके रहो और अपने जो भी विश पूरी नहीं हुई हैं उसे पूरा करने की कोशिश करो खुद के लिए जियो इनर हैप्पीनेस के लिए लिए जियो और जो भी ख्वाहिश है अधूरी है उसे पूरा करना पूरा करने की कोशिश कीजिए मैं दो लाइंस कहना चाहूँगी घुटने मन हमेशा उड़ता परिंदा रखिए घुटने चले ना चले मन हमेशा उड़ता परिंदा रखिए बस यही करते हैं कि प्रॉब्लम सबको आती है उसमें से निकलना हमें को है कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा आपको ही निकलना है आप जब दिल से कुछ चीज़ें करना चाहोगे तभी वो चीज़ें पॉसिबल होगी और आपके लिए सपोर्ट के लिए है आनंद निलयम तो इनके साथ हाथ में हाथ बढ़ाइए और चलते जाइए आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सफर कितना लंबा हो गया है और सुख कर हुआ है कितना आनंद से भरा हुआ है तो ये, नाम जो है ना निलम। निलम स्टेशन। तो ये खुशी का स्टेशन है जिस गाड़ी में आपको चढ़ना है और एक हैप्पी जर्नी के लिए निकलना है थैंक यू सो मच थैंक आई वु एड मोर सेंटेंस प्लीज सीनियर लाइक ऑफ इटअप मोर इज दैल्यू टोटली टोटली रहते हैं और जिस घर में सीनियर सिटीजन रहते हैं उस घर में बच्चों के लिए कोई काउंसिलर का जरूरत नहीं होता है काउंसिलर की जरूरत नहीं होती टीचर की जरूरत नहीं होती केयर टेकर की किसी की भी जरूरत नहीं होती है देखो घर तो हर कोई बना मतलब मकान तो हर कोई बनाता है घर बनाने के लिए मजबूत ये चाहिए फ्लोर चाहिए और एक छत चाहिए दीवारें तो कोई भी बना लेता है और ये छत का, का काम करता है पेरेंट्स सीनियर सिटीजन दे आर लाइक मतलब हमें धूप से छाँव से और बारिश से हमें प्रोटेक्ट हर ये तो नाम है हर चीज़ से हर मुसीबत से हमें प्रोटेक्ट करते हैं दे आर लाइक रूफ सो थैंक यू सो मच आई एम रियली ऑनर्ड आई एम रियली थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स